जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की क्लास में। तो आज 6 अप्रैल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसको आज हम देखते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 5 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन में से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। तो यह किस राज्य में चला है? तो ये चला है गुजरात राज्य में। कहाँ पर चला है? गुजरात में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है डोभाल ने। किसने किया है? डोभाल ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में DRDO ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल ने। किसने की है? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो ये कौन सी बनी है? बिल्किस मीर बनी है। कौन सी बनी है? बिल्किस मीर बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राकेश मोहन को। किसको किया गया है? राकेश मोहन को। नेक्स्ट है कि हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर का 260वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 अप्रैल को। कब मनाया गया? 3 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो किसे किया है? आकाश तीर को। किसको किया है? आकाश तीर को। हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1,00,000 मेगावाट मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? ये रखा है 2047 तक। तो दोस्तों, अगर हमारी करंट अफेयर की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।